दोस्तों नमस्ते, मैं हूं प्रकाश भील, मैं हूं हल्दी घाटी से बिलोंग करता हूं। मैं आपको एक आज एक समूह से रूबरू करवाता हूं। उस समूह में आज एक जो अपने किसान भाइयों के लिए जो फसल बोई जाती है उनके कीटनाशक जो बनाया जाता है, कीटनाशक जो दवाई बनाई जाती है, उन दवाई के बारे में आपको रूबरू करवाऊँगे कि हमारे राजस्थान में जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं का, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जयपुर स्वयं सहायता समूह, ये इनकी डायरी है प्रत्येक महिलाओं की। हमारे गांव में 10 या 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। आज मैं जिस समूह से आपको मुलाकात करवा रहा हूँ वो समूह है माँ सबरी भील शक्ति समूह। इसमें कितनी 15 महिला है ना, इस समूह में 14 महिला हैं जो हफ्ते की एक बैठक करती हैं। प्रत्येक हफ्ते इनकी एक बैठक होती है जिसमें प्रत्येक महिला 20-20 रुपये, मात्र 20 रुपये लेके आती हैं, वो 20 रुपये जमा करवाती हैं। जैसे 14 महिला 20-20 रुपये ला के जमा करवाती है हफ्ते में, जिस किसी महिलाओं को उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो महिला उस पैसों को ले जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट भी, राजस्थान गवर्नमेंट इनका फुल सपोर्ट करती हैं। इन महिलाओं को ज़रूरत पड़ने पर घरेलू किसी कार्य के लिए भी बैंक द्वारा पैसा दिया जाता है जिसका 2% ब्याज लगता है। 1% ब्याज समूह में रहता है और दूसरा 1% ब्याज आगे बैंक में जमा होता है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको जल्दी ही अपने किसान भाइयों के लिए जो फसल पर जो छिड़काव की जाती है वो दवाई, इन महिलाओं के द्वारा जो 3 विधि द्वारा दवाई बनाई जाती है, आप मैं आज को एक विधि द्वारा जो दवाई बनाई जाती है उससे मैं मिलाता हूँ। चलो जल्दी ही मिलते हैं समूह वालों से। हाँ, ये जो देख रहे हैं ये है माँ सबरी भील शक्ति समूह, गांव सीमा भील बस्ती। एक मिनट, ये जो सामने बैठे हैं ये किसान सखी हैं जो इन महिलाओं को खाद बनाने की विधि बता रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। यो 1 लीटर गौमूत है, यो पानी में डाल दूं सभी। ये बता रहे हैं कि 10-15 लीटर पानी में, 12 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र डालते हैं, 1 लीटर ये नीम के पत्ते हैं, 1 किलो नीम के पत्ते इस पानी में डाला जाता है, इनको अच्छी तरह मिलाया जाता है, ये गोल बन रहा है। गोबर कितना डालते हैं? 1 किलो गोबर है पानी में, 1 किलो गोबर डालेंगे इसके अंदर। फसल पर अबे हमरा भरे हल्ला काले सुबह हल्ला
काले हाजे अल्लाह ने और परसों उन्होंने फसल कणी भी फसल पे छिड़के दे। एक काम करो यो और डाल दो कम पे तो और डाल दो मु तो तुम नहीं सारे मात्रा वा हो किल हो लीटर पानी में 10 किलो से अब था देखे लो ये पानी कतरो भी 10 बार ज्यादा थोड़ी है वाणानी की हो कोटी है कोटी में यो मैं मैं दिच वा हो लीटर की कोटी आवे छे खाना लेमड़ा बना तो ये गुनो को तैयार भी अच्छा ये एक गोल तैयार हो गया है ये तीन दिन इसको ढक के रखना पड़ेगा और तीन दिन बाद यह कम्प्लीटली फसल पर छिड़कने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जो अपन ने जो दवाई बनाई है इसको निमास्त्र कहते हैं। ऐसी दो विधियां और हैं अग्नास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इनके द्वारा जो किसान सखी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि दो विधियां और होती हैं उनके द्वारा खाद बनाया जाता है जो विभिन्न समूह में महिलाओं के द्वारा इनके द्वारा इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रामीण किसानों के लिए यह एक घरेलू दवाई तैयार करने का तरीका है जो बिल्कुल ही सस्ते जो गरीब लोग पैसा की बचत कर सकता है इस दवाई से घर घर बैठे यह दवाई बन सकती है। घर बैठे ये दवाई तैयार कर सकते हैं और अपनी फसल को बाजार से खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अपनी फसल को इस दवाई की छिड़काव करके कीटाणु और रोगाणु से मुक्त करती है ये दवाई और अपने खेतों को भी उत्पादन देती है ये खेत। इस दवाई की छिड़काव करने से हमारे खेतों में उत्पादन की तो वृद्धि होती है इसके अलावा हमारे हमको जो फसल मिलती है जो भी सब्जी वगैरह जैसे मिर्च है भिंडी है इस प्रकार की जितनी सब्जी हैं किसी भी फसल पर अपन इसका छिड़काव कर सकते हैं। मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं और हाथ से कपड़े से भी छिड़काव कर सकते हैं। अब इसको तीन दिन के लिए ढक के रखेंगे फिर ये छिड़काव के लिए तैयार हो जाएगी। इसको एक बार ढक के रखो देखे वो पचे बंद कर दूं मैं। अरे ये पोस्टर लगा यो 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 लगा गत्तो गत्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।